एक बार एक पिता ने अपने बेटे नू 100 रुपया दिता ते कहा, जा बेटा बाजारों जाके फल लेके आ। वो बेटा 100 रुपया लेके बाजार वालू तुर पिया कि चलो पिता ने जो मंगाया वो फल मैं घर ले आवां। रास्ते च जांदे जांदे उनू एक मदारी दिसिया जो कि कई लोगों नू बंदर दा खेड दिखा रहा सी। वो लड़के नू भी वह चंगा लग्या ते वो फल खरीदण दी बजाए उत्थे ही चले गया। कई चिर वह मदारी खेल दिखाउंदा रहा। जदों मदारी दा खेल मुक गया उन्हें बंदर दे हाथ एक कटोरा दिता ते कहा, जा लोकां तो पैसे मंग लिया। वो बंदर हाथ विच कटोरा फड़ के कल्ले कल्ले इंसान दे कोल जान लग पिया। किसे ने 10 किसे ने 20 ते इस लड़के दे कोल 100 रुपया सी जेड़ा उहदे पिता ने दिता सी कि जाके फल लेके आई। उन्हें वो पूरे दा पूरा 100 रुपया उस बंदर दे कोले विच रख दिता क्योंकि उन्हू बंदर दा खेड बहुत चंगा लग्या सी। वो बंदर दे खेड तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होया सी इसे करके उन्हें 100 रुपया दे दिता। 100 रुपया देन तो बाद अचानक उन्हू चेते आया कि मैं तो घरों फल लैन आया सी, मैनू तो पिता जी ने फल लैन भेजिया सी। वो फलां दी दुकान ते गया ते जाके कहन लगा, मैनू फलाना फलाना फल दे दिओ। दुकानदार ने वह सारे फल तोल के एक लफाफे विच पा दिते ते पैसे मंगे। उस लड़के ने कहा कि मेरे तो पैसे तो है नहीं। तो दुकानदार कहन लगा, जे पैसे है नहीं फिर फल भी है नहीं, जा चला जा इत्थों। वो लड़का उदास होकर अपने घर नू वापस आ गया। जदों घर आया पिता जी ने पूछा कि फल नहीं लैके आया, तो वह कहन लगा दुकानदार ने नहीं दिते। पिता ने पूछा क्यों, क्योंकि दुकानदार कहिंदा बिना पैसों तो फल नहीं दवांगा। पिता ने पूछा कि मैं तैनू 100 रुपया दिता सी, तो वह कहन लगा, जी रास्ते बिच एक मदारी बंदर का खेड दिखा रहा सी, मैनू वह बहुत चंगा लग्या ते मैं वह 100 रुपया उत्थे दे आंदा, इसे करके मैं फल नहीं लैके आया। हुण इह छोटी जिही कथा आपां इहनू जिंदगी दे नाल जोड़दे आं। पिता कौन आ? वह परम पिता परमेश्वर रब वाहिगुरु अल्लाह, जिहनू आपां परम पिता परमेश्वर कहिंदे आं, साडा रब। ते 100 रुपया की आ? 100 साल दी साडी उमर। ते वह बेटा कौन आ? असीं तुसीं भैण भरा साख संबंधी रिश्तेदार। ते बाजार किहड़ा आ? ये जो दुनिया ये एक बाजार ही आ। ते फल कर्मां दा फल, हुण परमात्मा ने सानू 100 साल दी उमर, कईआं नू परमात्मा 100 साल दी उमर, कईआं नू 80 साल दी, 60 दी, 40 दी, 20 दी, कईआं नू 1 दिन दी, कईआं नू 70-75 दी, किसे नू 10 रुपये, 20 रुपये, 60, 80, 90, 100, 110, जिन्नी भी परमात्मा ने सानू उमर दित्ती, जिन्ने भी पैसे दित्ते ते दे के कहा, जाओ कर्मां दा फल लैके आओ। असीं धरती ते आउंदे आ ते फल केड़े जिहड़े असीं चंगे कर्म करते आ उहदा फल लैण आए आ। परमात्मा ने सानू चंगे कर्मां दा फल लैण लई धरती ते भेजिया ते धरती ते आके असीं उह फल लैण नू तां भुल गए। असीं मदारी दा खेड देखण लग पए। मदारी दा खेड केड़ा? पति पत्नी रिश्तेदार साख संबंधी यार दोस्त, ये सारे खेडां दे विच गृहस्थी, असी इहदे विच रम गए। जिहड़े काम लई सानू परमात्मा ने भेजिया सी उह असी भुल गए। हुण इक माँ छोटे जिहे बच्चे नू कहिंदी आ नचो, बच्चा नचण लग पैंदा। कई बारी बच्चा अपनी माँ नू कहिंदा तू नच, माँ नचण लग पैंदी आ। कई बारी घर वाला अपनी घरवाली नू कहिंदा अज नच, मैं तेरा नाच देखना, घरवाली नचण लग पैंदी आ। ते कई बारी घरवाली घरवाले नू कहिंदी तू नच, असी इक दूजे दे कहे ते नचदे आ। कई बार माँ नचदी आ, पुत नचाउंदा, पुत नचदा माँ नचाउंदी, घरवाली नचदी घरवाला नचाउंदा, घरवाला नचदा घरवाली नचाउंदी। हुण जिद्दां उस लड़के ने 100 दा 100 रुपया उस मदारी नू दे दिता, इसे तरह ही आपां भी आ। सानू परमात्मा जिन्नी भी उम्र दे के भेजदा, चाहे 10 साल दी, 50 साल दी, 100 साल दी,
वो असी गृहस्थी विच ही अपनिया रिश्तेदारियां साख संबंधियों नू खुश करने दे लई मनाउण दे लई अपने रिश्ते निभाउण दे लई ही खर्च कर दिंदे आ। जिहड़े कर्मां दा फल आपां लैण आए सी उहदे तों असी बेमुख हो जांदे आ, सानू चेता भी नहीं रहिंदा, असी जमीन जायदाद जार जोरू दे पिछे इन्ना गवाच जांदे आ कि परमात्मा ने सानू ये उम्र किस काम वास्ते दित्ती उह असी भुल ही जांदे आ। ते जदों साडा अंतिम समय नेड़े आ जांदा सानू पता लग जांदा कि हुण असी इस दुनिया नू छड जाणा, फिर सानू उह चेते आउंदा कि परमात्मा ने सानू किस काम लई भेजिया सी, फिर इंसान पछताउंदा ते बिना कोई कर्मां दा फल खट्टे वह वापस रब दे कोल चलिया जांदा, परमात्मा दे कोल पिता दे कोल चलिया जांदा खाली हत्थी। ते जदों फिर पिता परमात्मा पुछदा आ कि मैं तैनूं जो लैण लई भेजिया सी उह कित्थे आ, ते फिर उह हत्थ खाली दिखा दिंदा कि मैं भुल गया, मैं जिहड़े काम नूं गया सी उह मेरे तो होया ही नहीं। ते फिर इंसान अपने कीते कर्मां दा फल पाउंदा। इस करके अपनी गृहस्थी भी चलाओ, ये भी जरूरी आ, पैसा भी कमाओ, साख संबंधियों के नाल वरतो भी, पर उहदे नाल नाल हुण तों ही परमात्मा का नाम सिमरन करना शुरू करो। एक कामल गुरु जिंदगी विच होना बहुत जरूरी आ, जिहड़ा सानू सही रास्ते पावे, वो परमात्मा का रास्ता दिखावे, ते साडे कीते ऐब गुनाहां नू बख्शा देवे, ते अखीर असी कर्मां दा फल लैके परमात्मा दे चरणां विच विराज जाइए। ये सारिआं ते ही कानून लागू आ, जीव जंतु पशु पक्षी इंसान सारिआं ते, कि परमात्मा दी बंदगी करे, इबादत करन, ते अखीर चंगे कर्मां दा फल लैके उहदी बारगाह विच जाइए, ते आउण जाण दे गेड़ नू खत्म कर लईए। जदों जागो उदों सवेरा, जे हुण समझ लगी आ तो हुण तो ही इह काम शुरू कर दिओ, दुख तकलीफ़ा परेशानियां अपने आप खत्म हो जाणगियां।